सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड चैनल और मैं हूं आपके साथ अनुज प्रसाद। पंचायत चुनाव को लेकर पांकी प्रखंड में सरगर्मी तेज हो गई है और जो तमाम प्रत्याशी हैं चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। अभी हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे हैं संगलदीपा पंचायत में, जहां मुखिया प्रत्याशी मरियम बीबी इस बार पंचायत चुनाव में उतरी हैं और आप देख सकते हैं कि उनके समर्थन में यहाँ कितने लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। और आपको ये भी बता दूँ कि मरियम बीबी के पति हफीजुल्ला अंसारी जो हैं सो निवर्तमान मुखिया भी हैं और इस बार जो है सो पद महिला होने के कारण ये इस बार अपनी पत्नी मरियम बीबी को चुनाव के मैदान में लाए हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार इन्हें कितना समर्थन लोगों का मिल रहा है और इस बार इनका क्या मुद्दा है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चुनाव प्रचार में आप निकल रहे हैं और अभी भी देखा जा सकता है कि जो बाइक रैली निकाली गई या फिर जुलूस निकाला गया है, इसमें हजारों की भीड़ उमड़ी हुई है, तो क्या लोगों से अपील करेंगे और आपको कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए, हम यहाँ पर जो मुखिया वर्तमान मुखिया रहे, इससे मेरे काम से, मेरे मान सम्मान से, मेरे लिए द्वारा सुरक्षा प्रदान करने के वजह से मेरे साथ ये जनसैलाब दिखाई दे रहा है और आगे मेरे पंचायत में जब महिला सीट जब रिजर्व हो गया तो मेरे द्वारा लंबा लकीर जो खींचा गया उसको पूरा करने के लिए मरियम बीबी हमारी पत्नी को भी मनसा हुआ कि नौकरी में होने के बाद भी रिजाइन करके मेरे द्वारा लकीर लंबी लकीर को खींचा हुआ वो विकास कार्यों को पूरा करने की मंशा लेकर के ये भी बोले कि राजनीति में आएंगे और इनके साथ ये जनसैलाब मतलब उमड़ा हुआ है और मेरे पक्ष में पूरी मतलब काफ़ी समर्थन है। लोगों का कहना है कि किसी भी हाल में दोबारा मुखिया बना करके हम लोग सांस लेंगे, ये पूरी जनता का विचार बना हुआ है। ये बताइए कि आपके पंचायत में विकास कार्य कितना हुआ है और किन किन क्षेत्रों में कुछ कमियाँ हैं जो इस बार पूरी करने की? देखिए, हमारे पंचायत में कुल 13 गांव हैं लेकिन 9-10 गांव में तो मैं कालीकरण बीच रोड करा दिया, पुल पुलिया बना दिया, 20 से 22 पुलिया बनाया गया। यहां पर जितने भी कब्रिस्तान था मेरे पंचायत के अंदर सभी को घेराबंदी कराया गया। यहां पर सरना स्थल सभी गांव में जहां पर आदिवासियों को के गांव में था उसको भी पूरा कर दिया गया। यहाँ पर जितने भी तरह के सिंचाई विभाग के द्वारा पैसा ला करके इस क्षेत्र में विकास कराए, यहाँ पर राज्य सौंपित द्वारा पैसा ला कर विकास कराए, यहाँ पर जो है NREP द्वारा और किसी भी विभिन्न विभागों को मैंने हर विभाग का पैसा अपने पंचायत में लाकर अगल बगल पंचायत के बनिस्बत यहाँ पर काफ़ी विकास किए हैं। हर मतलब क्षेत्र में, शिक्षा का क्षेत्र में, हॉस्पिटल का मतलब क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में मैंने विकास किया। इस विकास को देख करके हमें जनसैलाब मिल रहा है, जनसमर्थन मिल रहा है। ऐसे सभी गाँव को जोड़ दिया हूँ मुख्यालय से, लेकिन मेरा एक सपना है कि मैं इतना संघर्षशील मुखिया होने के बाद मेरी मरियम बीबी भी रिजाइन दे करके आई हैं, तो इनका भी मनसा है कि सारे अधूरे कामों को पूरा करते हुए इस पंचायत को आदर्श पंचायत के रूप में मैं लाना चाहता हूं, यही मेरा सपना है। ग्रामीण भी यहां पहुंचे हैं तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि संगलदीपा पंचायत में कितना विकास हुआ है और इस बार इनकी क्या उम्मीदें हैं। नाम बताइए अपना। नमस्कार, मैं अवधेश कुमार वर्मा, ग्राम फुलरिया से, संगलदीपा पंचायत से। जी, आपको मीडिया प्रभारी के मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और सभी जनता को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बहुत ही अच्छा विकास हुआ है और हम लोग इतना मन में ठाने हैं कि जितना हम लोग के कार्य पहले हो चुका है और कुछ बाकी है मुखिया जी के अधूरों को। मुखिया जी के पत्नी आई है मरियम बीबी, वो अपना नौकरी को रिजाइन मार के आया है और ये स्वागत पूरा मिलकर हम लोग जनता किए और ये मरियम बीबी अपनी पत्नी अथी हफीजुल्ला अंसारी। इस बार क्या उम्मीदें हैं मरियम बीबी से, सो बताइए। मरियम बीबी से यही उम्मीद अभी है कि जो मेरे पति का जो 6-6.5 साल में कार्य जो किया गया है, जो बाकी है उसका पूरा करने के लिए मरियम बीबी के ये मतलब पूरा विश्वास है। मतलब पूरा विश्वास एकदम पूरा 100% एकदम है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ ग्रामीण है, नाम बताइए अपना। मेरा नाम मोहम्मद जियाउल हक है, सकलदीप। जियाउल जी, हमको ये बताइए कि इस बार का पंचायत चुनाव जो होने वाला है 24 तारीख को जो आप मतदान करने जा रहे हैं, तो किसे समर्थन दे रहे हैं? हाँ, मेरा हफीजुल्ला अंसारी जो मरियम बीबी है, मैं मुख्यमंत्री। क्यों दे रहे हैं समर्थन? हमारा पंचायत में मुखिया है। कितना विकास किए हैं बताइए उसके बारे में। विकास हमारे पंचायत में बहुत सारे किए हैं और जो अधूरा बच गए हैं वो पूरा करने के लिए हमारे मरियम बीबी। तो इस बार मुहर कहाँ लगेगा? ये दूरबीन छाप के घेरे में मुहर लगेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कुछ ग्रामीण है, नाम बताइए। जी, मेरा नाम अंकज कुमार पांडे है, मैं सड़िया से बिलोंग करता हूं और मेरा पंचायत है सकलदीपा। ये बताइए पांडे जी कि इस बार मरियम बीबी से कितनी उम्मीदें हैं आपको? 110% उम्मीद है कि
की भी जीत इन्हीं का होगा, चूंकि प्रत्येक पंचायत की अपेक्षा सबसे ज्यादा विकास हमारा संकल्पिका पंचायत बताया, जिसका प्रमाण यह पूरा रहला है। निवर्तमान जो मुखिया थे हफीजुल्ला अंसारी, उन्होंने बताया कि सिर्फ मुखिया फंड ही नहीं बल्कि और भी जो भी फंड है वो सारे फंड को इस पंचायत में मतलब उसको लागू करके और विकास किया गया है। कितनी सच्चाई, पूरी श्रद्धा है इनको, पूरा सेवा करने का पूरा भाव लेकर के आते हैं और लगन से लगे रहते हैं। इस बार कहां मुहर लग रहा है? इस बार 5 क्रमांक पर दूरबीन छाप के घेरा पर 100% जीत होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी और कुछ ग्रामीण हैं जो चंदवार से आए हैं, जो चंदवार अति सुदूरवर्ती क्षेत्र आता है, और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि चंदवार में कितना विकास हुआ है और चंदवार के लोगों की इस बार समर्थन किसे जा रहे। नाम बताइए। मैं श्रवण कुमार सिंह, घर चंदवार। जी, कितना विकास हुआ चंदवार में और क्या बाकी है, आगे आ जाए थोड़ा सा। हमको देखा जा रहा है कि सबसे ज्यादा लगता है कि हमारा चंदवार रंगाई का ही होयोलावापर का विकास हुआ। आवास बना है या फिर सड़कें किस तरह की है वहाँ पे? सड़कें कालीकरण हो गई। आवास बना है या फिर सड़कें किस तरह की है वहाँ पे? सड़कें कालीकरण हो गई, आवास भी बन गई, शौचालय भी बन गई, पुल पुलिया जितना भी छोटा छोटा वो सारा बन गए। और ये बताइए कि इस बार क्या उम्मीद है? इस बार उम्मीद है कि जितना भी छूटा फूटा काम है वो सारा काम पूर्ण होगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद, आगे आ जाए सर। नाम बताइए अपना। मेरा नाम मोहम्मद सईद अंसारी है। मोहम्मद सईद साहब, हमको ये बताइए कि संगलदीपा पंचायत जो है बाकी प्रखंड मुख्यालय से काफ़ी दूर है, लेकिन बावजूद इस गांव में ऐसा लोग बता रहे हैं कि यहाँ विकास काफ़ी हुआ है, और इस बार जो प्रत्याशी हैं महिला, तो महिला प्रत्याशी से इस बार क्या उम्मीद है? महिला प्रत्याशी से ये उम्मीद है कि चूंकि इनके पति के द्वारा जो कार्य किया गया है, जो अगले चुनाव में हम लोगों ने जिस उम्मीद से इनको चुना था वो उम्मीद से बहुत ज्यादा खरा उतरे हैं, इसलिए हमको ज्यादा उम्मीद है कि उससे भी बढ़ चढ़ के वो काम करेगी। तो ये बताइए कि इस बार कहाँ मुहर लगाइएगा? वही दूरबीन छाप के घेरे में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रत्याशी अभी इस पंचायत में कोई नहीं। और भी कुछ ग्रामीण है जो बोलना चाहते हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। नाम बताइए अपना। मेरा नाम सदीक अंसारी है। इससे पहले आप उप मुखिया भी थे जी, तो ये बताइए कि इस बार क्या बदलाव होने वाला है और इस बार आप किन्हें समर्थन दे रहे हैं और इस बार लोगों की क्या उम्मीद है आपसे? बदलाव से पहले जो अगला चुनाव था सर जी, उसके पहले हम लोग जब ऊपर घाट में गए थे तो ऐसा इलाका सुगरवर्ती मिला था हम लोगों के कि वहाँ से मरीजों के झोरी में बना बना करके यहाँ चापी मंदिर के पास लाया जाता था जी, और वहाँ से फिर पाकी के लिए गाड़ी प्रस्थान करती थी। लेकिन जब इसके पहले हम लोग जब उस चुनाव में गए थे, वादा किए कि हम लोग यहाँ एक रोड का निर्माण करेंगे, चाहे जिस फंड से जैसे भी होगा हम लोग लड़ाई लड़ के लाएंगे, और वहाँ पर हम लोग कालीचरण रोड बनवा दिए, तो आज मरीज को एम्बुलेंस वहाँ मिल रहा है। पानी का वहाँ सुविधा था कि जो रेंगाई से पानी के लिए जीरो, वहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पर जाकर पानी लोग लाता था, लेकिन हम लोग वहाँ आज चापा नल दे करके वहाँ डिप बोर दे करके इतना पानी का व्यवस्था बना दिए कि हर घर में पानी मिल रहा है। इसीलिए हम लोगों के वहाँ से जनसमर्थक बहुत काफ़ी मिल रहा है चारों गांव से, और सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये बताइए कि इस बार का क्या प्लान है? इस वर्ष का प्लानिंग है कि जो हम लोगों का पहले जो किए थे उससे बेहतर हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और बेहतर करना है। बेहतर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना संगलदीपा पंचायत के काफी ग्रामीणों को और साथ ही निवर्तमान मुखिया हफीजुल्ला साहब को, जिन्होंने बताया कि ये सिर्फ मुखिया फंड ही नहीं बल्कि मुखिया फंड के अलावे हर निधि से इस गांव पंचायत में विकास करने का कार्य किए हैं, और जो भी सड़कें हैं या फिर जो भी गांव में जो अधूरी योजनाएं हैं वे इस बार के चुनाव के बाद पूरी करने का कार्य करेंगे। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कितनी भीड़ उमड़ी है और हजारों के संख्या में लोग यहाँ इनके समर्थन में उतरे हुए हैं। संगलदीपा पंचायत के मुखिया कैसा हो?